सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वाले चीटे एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने बिल्लू भाई के कहने पे खोखा भाई के जो खोखा भाई को मारा, ठीक है, खोखा भाई को मारा, उनके बेस पे जाकर मारा। हम लोग के पीछे बहुत सारी पुलिस वगैरह जो है वो पड़ गई थी। हम लोग कैसे कैसे बचते बचाते वहां से निकले हैं, जो है हमने बिल्लू भाई के कहने पे खोखा भाई को मारा, ठीक है। खोखा भाई का फ्यूनरल होना है आज के एपिसोड में। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये होने वाला है कि रात में मुझे जिस दिन मैंने यानी कल लास्ट वाले एपिसोड में मुझे रात में बिल्लू भाई का फोन आया। उन्होंने कहा कि खोखा का कोई बेस है और उस बेस पे एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई है और वो रोल्स रॉयस तुमको चुरानी है। उसमें वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है ना कि लॉस एंटोस के जितने भी गरीब है ना वो अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे। तो बिल्लू भाई का ये कहना है रोल्स रॉयस, अब देखो कैसी होती है रोल्स रॉयस, मुझे बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है क्या है कैसी है। उन्होंने मुझे मैप में लोकेशन वगैरह शेयर किया है। तो चलो चलते हैं गेम में और देखते हैं किसने क्या किया है क्या करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं गेम में और ये देखिए फ्रैंकलिन दादा ने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि भाई अब सूट बूट में ना ऐसे काम अच्छे नहीं लगते ना, मतलब कि कोई आया बंदा सूट बूट में मार के चला गया तो गलत सीन हो जाता है। अभी फिलहाल मैं ना जो है अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, यही वाली गाड़ी लेके चले जाऊँ या फिर बाइक लेके जाऊँ। मैं अपनी कार नहीं ले जाना चाहता क्योंकि पिछले वाले मिशन में भाई मेरी कार की ना धज्जियाँ उड़ गई थी और बाद में ना बहुत पैसे लगे उसको बनवाने में। फिर म्यूज़िक भाई इसके अंदर का ना रेडियो सिस्टम मैं बहुत जल्दी पढ़वाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कपड़ा चेंज कर लूँ कि नहीं करूँ, छोड़ो नहीं करता, क्या मतलब है कपड़ा चेंज करने का। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने जीपीएस में और मैं मार कर रहा हूँ। मुझे बिल्लू भाई ने जो है वो लोकेशन दी थी कि कहाँ पर खोखा का बेस है, तो वो कुछ यहाँ पर है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन सीधा रास्ता है। इस उधर चलते हैं और खोखा भाई का देखते हैं क्या है। मेरे पास एमोनिशन वगैरह है, ठीक है, एमोज वगैरह है मेरे पास, गन्स वगैरह है, तो गन वगैरह कोई चिंता लेने की बात नहीं है। तो अगर कैसी गाड़ी भी सही सलामत लाना है भाई, रोल्स रॉयस जैसी बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है, अगर उसको गाड़ी को हम लेकर भी आते हैं तो भाई देखो यार स्पीड होती नहीं है, ठीक है, अगर बाय चांस अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे पुलिस ना तहस नहस कर देगी अगर उनके सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। तो अब कहाँ जाकर देखेंगे गाइस, खोखा भाई का तो एक मकान नहीं है, बहुत ढेर सारा मकान होता है गैंग्स वालों का, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कल वाले एपिसोड में। जिसने भी नहीं देखा जाकर आप लोग कल वाला एपिसोड जाकर देखो। जाकर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ा टास्क ये है कि कार जाके हमें ढूंढना पड़ेगा कि कार कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, क्योंकि भाई वहाँ पर ना भाई बहुत बड़ा घर होगा, गैंग मेम्बर्स लोगों का तो बहुत बड़ा घर होता है, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर कि कार कहाँ पर मिलेगी। अगर मिल जाती है ना भाई बहुत सही हो जाएगा सीन, अगर तुरंत मिल जाएगी तो तुरंत लेके भागेंगे, उल्टा उल्टी खा लेंगे, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर वहाँ पे हम लोग खड़े रहे और थोड़ी देर। तो गाइस बस हम पहुँचने वाले हैं घर, हमारे जीपीएस में बहुत करीब में शो हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, दूर से पहले देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पर, कि कौन लोग हैं कैसे हैं क्या सीन है कितने लोग हैं, कब लड़ाई करनी होगी कि नहीं। एक मिनट, यही मकान है क्या, यही लोकेशन पे तो यही मकान दिख रहा है। सिक्योरिटी गार्ड तो नीचे खड़े हैं क्योंकि नॉर्मल अगर किसी ऐसे घर का होता तो सिक्योरिटी वगैरह नहीं खड़ी होती भाई, बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी इधर तो सिक्योरिटी है। लो इतनी लगा लेता हूँ इस गाड़ी, देखूँ अगर सामने से तो एक ये बंदा है, दो तीन, अरे भाई इन्होंने देख लिया मुझे, गाइस इन्होंने मुझे देख लिया है, उन्होंने मुझे देख लिया है एम करते हुए। अरे भाई वो सब लोगों को पता चल गया है कि मैं यहाँ पर हूँ, सीन हो गया गाइस, मारना पड़ेगा साले। यार मैं जिस प्लान से करता हूँ मेरा प्लान कभी पास ही नहीं होता है भाई, आ गया सर हले, मर गया मर गया मर गया ये। अरे भाई कितने हैं ये, आ गया से शायद अभी ऊपर वालों को पता नहीं है, ऊपर वालों को पता नहीं और अंदर कितने बंदे मुझे पता नहीं है ये भी, पहले उसको फेंकता हूँ भाई यहाँ से। कहाँ हैं बंदे और कहाँ हैं बंदे, अरे भाई मुझे देख ना ले यार भाई, ये लोग आ यहाँ से साले, और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है गाइस, मेरे ख्याल से सब मर गए हैं, वही बंदे बंदे तो नहीं। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी बोला है खड़ी है, गाड़ी कहाँ है, वे वेट अ मिनट, रोल्स रॉयस ये है क्या इसमें गाइस, ये रोल्स रॉयस है, ये तो नहीं है,
तो फरारी है, ये तो पता नहीं कौन कौन सी भाई स्पोर्ट्स गाड़ी खड़ी कर रखी, ये रोल्स रॉयस है भाई, ये तो कितनी महंगी है, लॉस सैंटोस की आधी जनता बैठ के खावेगी इतने दिन, एक साल। अरे भाई ये सजने वाली गाड़ी है क्या, ये चलाने में ऐसे। अरे भाई साहब गाइस अभी मैं गाड़ी में बैठ गया, फटाफट से मुझे निकलना चाहिए। ओ भाई अरे भाई कितनी स्मूथ है ये, ओ भाई मैंने सोचा था रोल्स रॉयस कितनी भारी होगी, चल ही नहीं पाएगी, इसकी आवाज कितनी प्यारी है भाई, स्मूथ एकदम स्मूथ। ओ भाई गाड़ी देखूं मैं एक मिनट, भाई साहब ये तो डेंट अभी मैंने मारा है। ओ भाई इसकी व्हील्स गाइस अलॉयज देखो, बाप रे भाई टेक्नोलॉजी देख रहे हो गाइस, तुम टेक्नोलॉजी देख रहे हो, व्हील भाई स्टीयरिंग व्हील तो है नहीं। ओ भाई साहब अब मुझे पता चला भाई ये बिल्लू भाई इतना ज्यादा किस किस चीज के लिए क्यों इतना एक्साइटेड थे भाई साहब। भाई गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी गाड़ी लग रही है, भगपड़ तोड़ गाड़ी है यार। ओ कलर कितना प्यारा है इसका, और स्पीड और जो इसकी जो साउंड है ना भाई कितनी प्यारी है भाई, भाई इसकी टर्निंग वगैरह ब्रेकिंग वगैरह, ओ भाई साहब कितनी प्यारी है भाई, ओ भाई साहब ठीक है मुझे किनारे लगा के गाड़ी को एक मिनट पर देखना चाहिए जीपीएस में कि मुझे कहाँ जाना है। बिल्लू भाई ने मुझे एक लोकेशन बताई थी जहाँ पे वो आज के दिन अवेलेबल रहेंगे जीपीएस में, और उन्होंने जो लोकेशन दी थी वो ये लोकेशन दी थी ठीक है, कि हमें यहाँ आना है और जो है वो बिल्लू भाई का जो है घर उतरी मतलब घर क्या वो दो मिनट को आएंगे जो देखिए गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होने वाली है ठीक है। वैसे यार ये गाड़ी की अगर मैं पिकअप की बात करूँ ना भाई बहुत तेज़ है, मैं सही बताऊँ ना संभली नहीं जा रही है गाड़ी, स्लिप बहुत हो रही है ये गाड़ी, बाप रे बाप क्या यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, गूगल मैप ना गाइस किस गली गली कूचे कूचे से रोल्स रॉयस को पता कहाँ से ले जा रहा है, मट्टी वट्टी से हैं ऐसा कौन करता है भाई, अगला गूगल मैप। अरे भाई गाइस मैं सही बताऊँ ना इतनी स्मूथ है ना, इसकी साउंड इतनी प्यारी है ना गाइस, गाड़ी तो मैं सही बता रहा हूँ ना बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ओ भाई एक बारी को गाड़ी देखो गाइस, गाड़ी देखो मैं पहुँच गया हूँ लगभग, ये आगे ही शायद बिल्लू भाई का मकान है, लेकिन चाहे मैं दिखाना चाहता हूँ तुम लोग गाड़ी गाइस, गाड़ी देखो तुम एक बारी गाइस। ओ भाई साहब हुलिया तो बिगड़ गया थोड़ा सा, वो मैंने ठुक ठुक आ गई गलती से, लेकिन गाइस गाड़ी का एक बार हुलिया देखो, मटेरियलिस्टिक देखो कितनी प्यारी है, ओ भाई साहब कितनी प्यारी गाड़ी है भाई, कलर इसका इतना प्यारा है, साउंड इतना प्यारा है, स्पीड इतनी प्यारी है, सब इतना प्यारा है ना कि भाई कोई टक्कर नहीं दे सकता इस गाड़ी को, बाप रे बाप। ओ भाई ऑटोमेटिक है भाई ये, अरे भाई टीन का डब्बा टूट गया, चलो बिल वो बनवा लेंगे भाई, बिल्लू भाई के पास पैसा है समाज में इतना तो कर रहे हैं भाई, इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं, गाड़ी चुरा ला कम बात है। ओ भाई पुलिस वाले खड़े हैं, भाई साहब वो खड़े हैं शायद बिल्लू भाई, ओ भाई साहब अरे ठीक है भाई, अरे भाई साहब मुझे लगा मेरे को मार ना दे यार ये कहीं, अरे भाई दिक्कत ना हो जाए गाइस, ये खड़े हैं बिल्लू भाई ऑचुलेंस से चल के बात करते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस हमने बात कर लिया है यहाँ पे जो है, उनको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है ठीक है, ये गाड़ी के पीछे क्यों इतने लोग पागल थे मुझे अब पता चला है भाई साहब, वो खुद ही चौक के खड़े हुए, उनको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है भाई, इतनी प्यारी गाड़ी है भैया वो ले जाएं जहाँ ले जाएं भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मेरे सर माथे पे थी ना उतर गई है भाई, कितनी प्यारी लग रही है यार। यार मैं एक दिन ना मेरे पास बहुत पैसा होगा मैं ये वाली गाड़ी जरूर खरीदूंगा। पर इन्होंने जो ये हैं बिल्लू भाई, उन्होंने इस गाड़ी की कीमत बताई है $95 मिलियन, $95 मिलियन समझ रहे हो तुम, $95 मिलियन आंखें खुल गई मेरी, $95 मिलियन के हिसाब से भी तो गाड़ी है भाई, तुम इसकी व्हील्स देखो एलॉयज देखो भाई, कितने कितने प्यारे एलॉयज है भाई, रोल्स रॉयस की ब्रांडिंग हो रखी है, ओ भाई साहब ये तो खचाड़ा हो गई, मैं तोड़ फोड़ दिया, मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बिल्लू भाई से बात हो गई, चारों तरफ पुलिस वाले हैं,
और भाई अगर बाहर देखे तो भाई SUV फॉर्चुनर वगैरह सब खड़ी हो रखी है। ओ भाई साहब गाड़ियां देखो बे, अबे ये वाली लैम्बोर्गिनी देखो बे, कौन सी है ये, इतनी प्यारी है ये। ओ भाई भाई अमीर लोग हैं भाई ये, अब वाली लैम्बोर्गिनी देखो गाइस। एवेंडेटर की कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरा जरूर से बताना भाई, ये प्यारी है यार ये। आगे वाली देखो भाई, ये भी लैम्बोर्गिनी है भाई, लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी खड़ी हो रखी के भाई साहब। I don't get paid enough for this अरे shit. सॉरी 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 सॉरी, मेरा मतलब नहीं था भाई, माफ कर दो, मैं तो गाड़ी देख रहा हूँ भाई साहब, आंखें खुली रह गई भाई मेरी गाड़ी देख के। तो गाइज मुझे जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मुझे पैदल जाना पड़ेगा या फिर मुझे टैक्सी बुलानी पड़ेगी। ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ मुझे टैक्सी बुलानी चाहिए, ठीक है डाउन टाउन कैब। मैं जब तक टैक्सी बुला रहा हूँ गाइज, आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि गाड़ी कैसी लगी। 95 मिलियन क्या वर्थ है उस गाड़ी के लिए भाई, मैं सही बताऊँ ना, मैं बहुत इंप्रेस हूँ उस गाड़ी से। आप लोग भी मुझे ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इंप्रेस हो उस गाड़ी से। और यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा है, बिजी हो रखा है भाई। शिट यार गाइज शिट सीन हो गया, मुझे लग रहा है पैदल ही जाना पड़ेगा अगर कलवे को। कोई बात नहीं, हम लोग का सिला मिलेगा गाइज, बहुत जल्दी सिला मिलेगा हम लोग का, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को होगा। अगर नहीं होगा तो मैं तो इनसे कुछ ना कुछ बात करूंगा, अगर इन्होंने कल और आज कल में मेरे लिए नहीं कुछ सोचा तो मैं ज़रूर इनसे बात करूंगा कि भैया कुछ जुगाड़ करो भाई, हमें भी कुछ चाहिए भैया यार, इतनी मेहनत 2 बार तुम्हारे लिए जान पे खेले हैं, 3 बार, तो यार कुछ तो हमारे लिए करना चाहिए ना। तो अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू।